हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल ज्ञान शाला विद मस्ती आज मैं लेकर आया हूँ लैटीट्यूड्स एंड का सेकंड पार्ट मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम अगली वीडियो में हीट जोन और लैटिट्यूड और सॉरी लॉन्गिट्यूड्स पढ़ेंगे तो हम अभी स्टार्ट करेंगे हीट जोन से अगर आपको ऐसी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल The midday sun is exactly overhead at least once a year on all latitudes between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. So the torrid zone lies between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. In the last video, we have learnt that. The Tropic of Cancer lies on 23.5 degree north, and the Tropic of Capricorn lies on 23.5 degree south. So the area between these two uh, latitudes is the torrid zone. And it is in the middle of the earth, so the midday sun is exactly overhead at least once a year. This area therefore receives the maximum heat and is called the torrid zone. So, this red region in the picture is the torrid zone. Many countries of Africa lie under it. So, now we will learn the temperate zones. Beyond the tropics, which means the torrid zone, the midday sun is never overhead. This happens because the sun rays come at a slant in these areas. So, this part of the earth receives mild temperature which means that it is no, neither too hot nor too cold so these zones are called the temperate zones so these are the temperate zones there are two temperate zones the first one is northern temperate zone and the second one is southern temperate zone द नॉर्दन टेम्परेट जोन इज अब द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द सर्दर्न टेम्परेट जोन इज बिलो द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन मैं इन जोन्स को एक्सप्लेन करने के बाद आपको लॉन्गिट्यूड भी पढ़ाऊंगा और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बीच में डिफ्रेंस भी बताऊंगा तो अब पढ़ते हैं फ्रिगेट जोन्स areas between the arctic circle and the north pole and those between the antarctic circle and the south pole receive sun rays at a big slant as they are at the bottom at the bottom and the above of the earth so they receive the sun rays at a very big slant due to this the sun is never much above the horizon so this part of the earth receives the least amount of heat and remains very cold these zones are called frigate zones so these are the frigate zones you can see they lie at the top and bottom of the earth so they receive the sunlight at a very big slant so they uh, most of the time of the year they remain covered with ice now in this picture you can clearly see all the the parallels of and heat zones तो longitudes पढ़ते हैं और उनको लैटिट्यूड से डिफ्रेंशिएट करते हैं कि वो कैसे अलग होते हैं तो पहले लॉन्गिट्यूड्स पढ़ते हैं द लाइन ऑफ रेफरेंस रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल

अब हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो लैटिट्यूड में हमने पढ़ा था और पैरल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरल्स ऑफ लैटिट्यूड्स पर पैरल्स ऑफ लॉन्गिट्यूड जो होते हैं उनको हम पोल से स्टार्ट करते हैं लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज एंड दिस इज द सेम सिमिलर पॉइंट द लॉन्गी मेजर्ड इन डिग्रीज आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं कि मैंने लाइन ऑफ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों मार्क कर रखे हैं और इन दोनों में एक और डिफरेंस होता है कि हम लैटिट्यूड uh, इक्वेटर से uh, गिनना चालू करते हैं और लॉन्गिट्यूड प्राइम मेरिडियन से गिनना चालू करते हैं जिसके बारे में हम अगली नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे अब एक प्रॉब्लम आती है कि पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड सारे अनइक्वल होते हैं लेंथ में तो हम इक्वेटर है तो हम उसको अपना बेस लेकर चलते हैं क्योंकि वो सबसे बड़ा होता है और ज़ीरो डिग्री पर सिचुएटेड होता है तो हम वहाँ से लेकर चलते हैं ऊपर और नीचे बांध लेते हैं हम वो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है पर मेरिडियंस सारे इक्वल लेंथ के होते हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है काउंट करना तो सारी कंट्रीज ने डिसाइड किया है कि काउंट ग्रीनविज की ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी से स्टार्ट होगा जैसे कि इक्वेटर जीरो डिग्री होता है तो लॉन्गिट्यूड में जो प्राइमरीडियन होता है वो ज़ीरो डिग्री होता है जो ग्रीनविच से पास होता है और आ, और ये लाइन वेस्टर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है पूरे अर्थ को ये थी मेरी वीडियो लॉन्गिट्यूड पर और लॉन्गिट्यूड और टाइम पर भी मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा वो इसका अगला पार्ट होगा उसमें हम पढ़ेंगे कि लॉन्गिट्यूड कैसे अफ़ेक्ट करते हैं टाइम को मतलब कि हम लॉन्गिट्यूड से टाइम कैसे निकालते हैं और हम और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन्स लाएंगे जो इस वीडियो में इंक्लूडेड नहीं है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए और आप डिसलाइक भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छी नहीं लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन बाय बाय